सागरगंज स्वच्छ भारत अभियान की खुली पोल। शहर के अधिकांश वार्डों में हल्की बरसात से नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बस्तियों में भरा पानी, जिससे आने जाने वाले वार्ड वासियों को हो रही है दिक्कत। वहीं स्वच्छ भारत अभियान की भी यही तस्वीरें पोल खोल रही हैं कि कूड़े के ढेर और गंदगी के वार्डों में बने हैं। अंबार मोहल्ले और वार्ड वासियों के बार बार शिकायत के बाद भी SDM और पालिका प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पूर्व में भी तहसील प्रांगण में प्रदर्शन कर सफाई व्यवस्था और रोड बनाने की मांग वार्ड वासियों के द्वारा कई बार की जा चुकी है। वार्ड वासियों ने कहा, एक सप्ताह में अगर सफाई नहीं हुई तो तहसील में देंगे धरना। भरा हो जाता है, इसमें हम लोगों को जाने आने के लिए बहुत परेशानी होती है। आज कोई डेथ हो जाए, हमारी ये मौत हो जाए किसी की, तो हम कब्रिस्तान कैसे जा पाएंगे? हमारे लिए वहाँ जाने के लिए कोई निकास नहीं है, ना ही कोई सुविधा है हमारे लिए। हम बहुत लोग परेशान हैं। 15 साल से 20 साल से हम यही कहते चले आ रहे हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, हमारा कोई काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं इस तरीके की गलियां, आपको पूरे शहर के अंदर कई गलियां ऐसी दिखाई दी होंगी। ये गरीब बस्ती है, मजदूर वर्ग के लोग यहां निवास करते हैं। आप ये देखिए, इतना ज़्यादा यहां पर नीचे घरों से नीचे इतना ज़्यादा गड्ढे में ये गलियां हैं। अभी तो आप देख रहे हैं मौसम को, मानसून आने वाला है और बारिश हो जाएगी, और बारिश होने के बाद यहां पर आप देखिए कि कंधे से ऊपर ऊपर तक पानी भर जाएगा। भरने के बाद ये सारे लोग यहां पर बंधक बन के रह जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो, यहाँ पे कम से कम ये सारे जितने लोग हैं इनको रहते रहते 15 साल से ऊपर निवास करते हुए हो गया, लेकिन यहाँ पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर वोटों की राजनीति करते हैं, वोटों के टाइम पे आते हैं और वोट मांग के चले जाते हैं। तितारगंज से तहलका हेडलाइंस के लिए मोहन इमरान की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है तहलका हेडलाइन न्यूज, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है telkaheadlines.in@gmail.com। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं।